मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर आज आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो 15 दिसंबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज भोपाल के रविंद्र भवन में 407 नगरीय निकायों के महापौर अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण हो रहा है, जिसमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका, 294 नगर पालिका शामिल है। भोपाल और खंडवा को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं जबलपुर, इंदौर, रीवा, बुरहानपुर को अनारक्षित रखा गया है। कांग्रेस बीजेपी नेताओं से इस विषय पर क्या कुछ राय है वहां के नेताओं की, आइए सुनते हैं। बोल इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से सुफियान सिद्दीकी की रिपोर्ट। राजनीति के क्षेत्र में आप बड़ी संख्या में निकलकर आ रही है, धीरे धीरे समाज की स्वीकार्यता भी महिलाओं के प्रति बढ़ी है, और जब इस प्रकार आरक्षण के माध्यम से अवसर मिलते हैं और महिलाएं जब अपनी क्षमताओं को साबित करती हैं तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास बढ़ता है। महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है भोपाल की सीट, मुझे खुशी है। एक बार फिर नगर निगम भोपाल पर में एक महिला का शासन होगा। महिला बहुत अच्छे से, महिलाएं बहुत अच्छे बेहतर तरीके से काम करती है, और जो भी महिला आएगी निश्चित रूप से भोपाल का विकास करेगी। सामने से सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं पारदर्शिता नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ काम हुआ है यहाँ पर। सामने प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं और वो हर आपत्ति का निराकरण भी कर रहे हैं, और यदि उनको ऐसा लगता है तो उन्होंने अधिकारियों ने कहा भी है कि हम आपकी हर आपत्ति का निराकरण करेंगे, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर ही हम यहाँ पर आए हैं। प्रक्रिया शुरू हुई है, चूंकि अब भोपाल का जो फिर से एक बार ओबीसी महिला को दिया गया है, सर देखिए बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ ये शासन ने जो आरक्षण किया है उसमें 50% बहनों के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व रखा है, आरक्षित किया है, और इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग की यदि हम बात करें तो 25% का प्रावधान पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों के लिए भी है, और इसलिए भोपाल में पिछड़ा वर्ग की बहन के लिए, महिला के लिए ये सीट आरक्षित हुई है। मैं समझता हूँ चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, जनजाति वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या बहनों का वर्ग हो, सभी इस आरक्षण वर्ग से प्रसन्न है, और उनको भी एक अवसर मिलता है, उनको भी एक मौका मिलता है आगे आने का, लीडरशिप करने का, प्रतिनिधित्व करने का। ये बहुत अच्छा एक आज यहाँ आरक्षण प्रक्रिया संपन्न। सर तीसरी बार ओबीसी महिला के ये इसमें गया है खाते में, और चूंकि ओबीसी पुरुष के लिए ये संभावना व्यक्त की जा रही थी, आपको लगता नहीं सर कि चूंकि जो ओबीसी वर्ग से जो आप बीजेपी के नेता आते हैं वो भी दावेदार हैं आपके ओबीसी से, तो उनको निराशा जरूर हाथ लगी होगी कि भैया ओबीसी जो पुरुष होना था वो ओबीसी महिला के खाते में, पिछड़ा वर्ग का जो बहनों के लिए आप बात कर रहे हैं वो पुरुष वर्ग में जाना चाहिए था इस बार, संभावना व्यक्त की जा रही थी। तीसरी बार आया है, तीसरी बार आया क्योंकि पहले विभा पटेल जी, उसके बाद है ना कृष्णा गौर जी, उसके आदि नहीं, कृष्णा गौर जी हमारी जो बहन है वो सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ी थी महिला, और उसमें जो है वो पिछड़ा वर्ग से चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए भी होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ आरक्षण जो प्रक्रिया है वो शासन के बनाए गए मापदंडों के अनुसार ही है। आरक्षण प्रक्रिया आपकी है सर, वो भोपाल के खाते में एक बार फिर ओबीसी महिला के खाते में गया था। देखिए आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब आज से चुनाव की घमासान और चुनाव की सरगर्मियां भी चालू हुई। पार्टी स्तर पर इस आरक्षण के लिए भी लंबी कार्यकर्ताओं की फैजियत लिस्ट है, संगठन के अनुरूप जिस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी चुनाव लड़ने की, पूरे कार्यकर्ता भोपाल की पूरी ताकत के साथ उनको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि आपके पास जिले की कमान है, तो कोई आपका सर्वे होगा आपका बीजेपी के द्वारा कि जिनमें से चुनिंदा कार्यकर्ताओं की आप कोई सूची या सर्वे करा के आप भेजेंगे संगठन के पास? निश्चित तौर पर सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे के आधार पर ही, सर्वे के आधार पर, संगठन के काम करने के आधार पर इस बार कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। और अपर के आरक्षण की बात करें तो इसके लिए भी संगठन चुनाव की दृष्टि से भी लगातार तैयारी कर ही रही थी, क्योंकि ध्यान में आ गया था कि नगर निगम चुनाव समीप ही है, तो उसके आधार पर जो कार्यकर्ता उचित होगा वो चुनाव हो जाएगा।
नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा होने वाली है, अभी मतदाता सूची का काम चल रहा है, पूर्ण रूप से मतदाता सूचियां बनी भी नहीं है, अभी कई स्थान बाकी है, ऐसी स्थिति में आरक्षण की स्थिति हो रही है, बिना परिसीमन किए हुए भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। जब ये नियम है कि 10 साल में एक बार आरक्षण होने के लिए आधार पर उसका आरक्षण होता है, 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही अभी इस समय आरक्षण होना चाहिए। मुझे इस बात की घोर आपत्ति नहीं है, मैंने लिखित भी इस बात को दिया है कि 2011 की जनसंख्या को आधार को चेंज करते हुए उन्होंने 2021 की जनसंख्या 2020 की जनसंख्या को आधार मानकर छिंदवाड़ा को सामान्य श्रेणी से उन्होंने उसमें एसटी मेजर कर दिया है, जबकि इस बात के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है। मैंने इसको लिखित में आपत्ति की हुई है, आपत्ति के निराकरण मौखिक रूप से कहा है कि हम आपको जवाब दे देंगे, इसको अस्वीकार किया जाता है। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे भोपाल का ही मामला है, भोपाल में ओबीसी होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ओबीसी होने के बाद 1999 में जो श्रेणी हो चुकी है उसी को आपने रिपीट कर दिया गया, तो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर ओपन होता है तो ओपन में महिला भी चुनाव लड़ सकती है, एससी भी लड़ सकता है, एससी भी लड़ सकता है, सारे वर्ग के लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर रिजर्व कर देते हैं तो दूसरे वर्ग के लोगों को तो उससे वंचित किया जाता है। ऐसी घटनाक्रम बहुत जगह पर हो रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं है। आरक्षण की प्रक्रिया में समझता हूँ कि विश्वसनीय नहीं लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आवास वो अपने हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया लिख कर लाए हैं, बस ये इतनी कर ली, ये मान लिया, ये हटा दिया, ऐसा नहीं होता है। आरक्षण एक साइकिल तो चलना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए, वो पारदर्शिता नजर नहीं आ रही जो आना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार मैं समझता हूँ कि शासन के द्वारा ही जो लीपापोती करने के लिए आदेश किया गया उसी हिसाब से काम किया जाए। ठीक है, रविंद्र भवन के सभागृह में जो एक आरक्षण एक व्यवस्था है उसमें रोटेशन के आधार के ऊपर सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सारी नियम और पारदर्शिता के साथ अपनी आरक्षण किया है, फिर भी कांग्रेस विपक्ष में है, उसका काम आरोप लगाना है, अभी अपना आरोप लग और मैं सुरक्षा हूँ कि अधिकारियों ने कहा है कोई ऐसी बात है कहीं चूक है या त्रुटि तो उसकी भी जाँच करा दी। मुझे लगता है पूरी पारदर्शिता के साथ आरक्षण व्यवस्था का पालन किया गया। ये भी कह रही कांग्रेस की हमने आपत्ति की थी, दरकिनार कर दिए गए। नहीं, मुझे लगता है कि जिन्होंने आपत्ति की है वो तो हमेशा उनका काम ही आरोप प्रत्यारोप करना है, और मुझे लगता है कि वो अपनी बात तो कहें, पूरी पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ये तो पूछना चाहता हूँ इन कांग्रेसियों से जो आपत्ति करने वाले हैं कि आज अभी तक नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हुए, नगर पालिका के चुनाव में क्यों डर रहे थे, नगर परिषद के चुनाव में क्यों डर रहे थे, कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा था। आज तो पूरे मध्य प्रदेश से आपका सूपड़ा साफ हो गया है, और मुझे लगता है कि नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि नई पीढ़ी को मौका ही नहीं देना चाहते। हर 5 साल में नई पीढ़ी आती है, युवा नेतृत्व आता है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा युवा नेतृत्व को बढ़ाने का काम करती है और अच्छे योग्य युवा जो